नमस्कार दोस्तों, यूके का एक और वीज़ा दोस्तों, ये करण भाई हैं, लुधियाना से हैं, फेस हाइड कर रहे हैं। तो लुधियाना से हैं, इनकी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिफ्यूज़ल था पहले यूके से, तो सिंगल प्रोफाइल है। जब ऐसी ऐसी प्रोफाइल वीज़ा आती हैं दोस्तों, दिल खुश होता है कि भाई सिंगल प्रोफाइल पे आप लोग प्रीवियस रिफ्यूज़ल यूके की हो और फिर उनको वीज़ा दिलवाते हो, तो एक खुशी का लेवल अलग होता है। तो हम लोगों के मन में हमेशा यही रहता है कि जितना हो सके पॉसिबल उतना आप लोगों की हेल्प हम लोग करते रहें। डॉक्यूमेंटेशन में कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए थी, जैसे इनका बिजनेस का प्रोफाइल था, तो भाई बिजनेस का फिर हमें एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, करंट अकाउंट चाहिए होता है, ये दो चीज़ें तो मैंडेटरी हैं। अगर करंट नहीं है, सिर्फ सेविंग है, तो फिर मुझे उसको देखना पड़ता है कि सेविंग में क्या चीज़ है, कैसी है। तो कोशिश यही होती है कि करंट हो तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो सिर्फ सेविंग्स है तो भी एक बारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना, आप लोगों को वो देख करके ये तो बता देंगे कि आपको किस हिसाब से चीज़ें उसमें चाहिए होंगी। बाकी आप लोगों के पास अगर डॉक्यूमेंट्स के नाम पर कुछ भी है, जो भी है, एक बारी टीम को भेजना ज़रूर आप, कई बारी चीज़ें अंदर से अंदर निकल जाती हैं। बाकी मैंडेटरी दो चीज़ें तो बिल्कुल रहती रहती हैं, आपकी कॉम्पिटिशन ITR प्लस आपका बैंक स्टेटमेंट, अगर ये है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो बैंक स्टेटमेंट तो भेज ही देना। सिंगल हो मैरिड हो फ़र्क नहीं पड़ता, एज आपकी 20 साल है 25 साल है फ़र्क नहीं पड़ता, 17 साल का भी वीज़ा आया हुआ है सिंगल में, ये नहीं है कि किसी और के साथ में डाल लो। तो बहुत सी चीज़ें हैं भाई जो हमें देखनी पड़ती हैं। आप एड वीज़ा का यूट्यूब चैनल जा करके सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत वीडियोज़ भरी पड़ी हैं जिनमें आपको ये पता चलेगा कि भाई कैसे कैसे वीज़ा हमने निकलवाए हैं। 10-10 साल के बैन वालों के भी वीज़े हम लोगों ने निकलवा के दिए हैं, एक दो नहीं लगभग 10 केस ऐसे हो चुके हैं जिनके बैन तोड़वाए हैं और उनको वीज़ा दिलवाया है। तो खुशी तो एक अलग लेवल की होती ही होती है दोस्तों। बाकी प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू।